टोल प्लाजा डीघल पर सुविधाएं नहीं फिर भी अवैध वसूली जारी। जी हां, प्रशासन तो जागेगा नहीं, कम से कम आमजन तो जाग जाओ। वेलकम बैक टू फिल्मिताव यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे टोल प्लाजा डीघल के जो हालात हैं उनके बारे में, और आमजन है उसको क्या कदम उठाने चाहिए और हम उनके लिए क्या मदद कर सकते हैं। तो जुड़े रहें वीडियो से और आखिरी तक इस वीडियो को देखें, आपको दिखाएंगे कि टोल प्लाजा के आखिर क्या हालात हैं और इन सब के चलते आपकी जेब पर किस तरह डाका डाला जा रहा है। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। ये है टोल प्लाजा डीघल, और जैसे ही कोई वाहन चालक इसे क्रॉस करता है और उसके पास वैलिड फास्ट टैग है, तो इस तरह का मैसेज उसको मिलेगा, यानी कि आपकी जेब से पैसे कट चुके हैं और उसके चलते आपको सुविधाएं तो मिलनी ही चाहिए। और जब हमने अपने सहयोगी के साथ इसका मुआयना किया तो पिक्चर एकदम उलट थी। सबसे पहले हम शौचालय का निरीक्षण करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि डीघल टोल प्लाजा के ऊपर जो शौचालय है उसकी व्यवस्था किस तरह की है और किस तरह से जेब के ऊपर डाका डाला जा रहा है। इतना हैवी टोल टैक्स वसूल करने के बाद भी ये सुविधाएं मुहैया करा रहा है डीघल टोल प्रशासन। तो आप देख रहे हैं, इसमें जो NHAI है उसको सुध लेनी चाहिए। जी हाँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस तरह के मामलों के लिए संज्ञान लेना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि उनके संज्ञान में ये मामले आते नहीं, आते हैं लेकिन सुध नहीं लेते, और उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद हैं। इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम रोड की व्यवस्था देख लेते हैं। जो ये टोल रोड है इस पर अवैध कट आपको देखने को मिलेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से जो गाड़ियाँ हैं वो अवैध कट से निकलती हैं, और इससे जो टोल टैक्स देकर इस रोड के ऊपर आ रहा है उसको किसी भी समय दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। कोई साइन बोर्ड नहीं है, और जहां तक रोड की कंडीशन की बात है तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, और जो टू व्हीलर हैं उनके लिए तो खास मुसीबत बनते ही हैं ये गड्ढे, और आए दिन कोई ना कोई हादसा यहां पर होता रहता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे सहयोगी से कहेंगे कि एक बार इनको दिखाएँ। तो ये जो टोल रोड के ऊपर गड्ढे हैं इनसे आए दिन कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना तो होती ही है, और साथ में जो आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। ऐसे रोडों के ऊपर चलने से गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग वो आउट होती है, और आपको उसे ठीक कराने के लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है। बाकी आप देख रहे हैं कि जो इलीगल कट्स हैं उनके ऊपर किस तरह से जो आमजन है उसका आवागमन लगा रहता है और दुर्घटना को न्योता मिलता रहता है। इसमें जो टोल प्रशासन है वो आंखें बंद किए बैठा हुआ है, वो इसलिए कि हम इसके प्रति कोई संज्ञान नहीं ले रहे। लेकिन साथियों, हमने इसको लेकर कंप्लेंट बुक में कंप्लेंट दर्ज करवाई है। केवल वीडियो बनाकर अपने चैनल के ऊपर डालने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, तभी हालात सुधरेंगे। बाकी जब हमारे सहयोगी ने कंप्लेंट करने के लिए कंप्लेंट बुक मांगी तो टोल के ऊपर एक सिंपल रजिस्टर थमा दिया, जो बड़ा ही अटपटा सा लगा, लेकिन हमने अपनी शिकायत वहां पर दर्ज की और जो NHAI की ईमेल है वहां पर उनको मेल भी किया है, लेकिन अभी तक उनका जवाब आया नहीं है। लेकिन साथियों, आप हिम्मत न हारें, इस तरह की अगर आप शिकायत करेंगे तो समाधान भी लाजमी होगा, और इतना ही नहीं आपको भारी भरकम मुआवजा भी मिल सकता है ऐसी सुविधाएं न देने के चलते, क्योंकि आपने टोल टैक्स पे किया है और उसकी एवज में जो NHAI है वो बाध्य है कि आपको जो मूलभूत सुविधाएं हैं और जो टोल रोड है वो एकदम परफेक्ट कंडीशन में दे, ताकि जो आपकी यात्रा है वो मंगलमय हो सके। लेकिन ऐसा अमूमन होता नहीं, और वो इसलिए नहीं होता कि हम इस सब के प्रति कोई संज्ञान नहीं लेते, कोई शिकायत नहीं करते और इनके जो हौसले हैं वो बढ़ जाते हैं। तो साथियों, ये पूरा मामला है डीघल टोल प्लाजा का, और जो अन्य टोल रोड हैं हम उनके बारे में भी वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, मैं यही कहूंगा जो अन्य यूट्यूबर्स हैं उनको भी वो शिकायत दर्ज करवाएं, तभी समाधान होगा, अन्यथा इस तरह के वीडियो बनाने भर से कुछ हासिल नहीं होगा। आप कितने सहमत हैं इस बात को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और हमारी जो ये पहल है ये आपको कैसी लगी वो भी बताएं। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमने अपने जो लीगल एडवाइजर हैं उनका नंबर दे रखा है, आप उनसे संपर्क करके अपनी जो शिकायत है वो कंज्यूमर कमीशन में दर्ज करवा सकते हैं, जिसके चलते आपको भारी भरकम मुआवजा भी मिल सकता है। लेकिन इन सब के लिए आपको
थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा, आपको शिकायत डालनी पड़ेगी टोल अथॉरिटीज़ की, और जो आपकी गाड़ी में नुकसान हुआ है खराब टोल रोड के चलते, आप उसके मुआवजे के भी हकदार हैं। जी हाँ साथियों, कई कोर्ट केसेस हैं जो हमारे लीगल एडवाइज़र हैं उन्होंने टोल अथॉरिटीज़ के खिलाफ डाले हैं और उनमें जो है जीत भी हासिल की है। इन सब को लेकर भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे, और जिस साथी को अपनी शिकायत दर्ज करवानी है अगर वो पीड़ित है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है, निश्चित तौर पर उसका समाधान होगा। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो टोल अथॉरिटीज़ है उनकी कम से कम आँख खुले तो सही, ताकि जो टोल रोड है वो आपको एकदम दुरुस्त मिल सके, और अगर आप टोल पे करते हैं तो आप सुविधाओं के भी हकदार हैं। बाकी ये थे डीगल टोल रोड के हालात, और जो सुविधाएं आपसे भारी भरकम टोल वसूल कर दी जा रही हैं उनको दिखाता आईना। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आपसे जल्द मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, प्लीज टू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।